हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर ही मिलने वाले इंग्रेडिएंट से सूखे नारियल यानी गोले की बर्फी, जिसे आप काफ़ी आसानी और कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम दो गोलों का बरूदा बनाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि नारियल का बरूदा घर पर कैसे बनाते हैं, तो आप आई बटन को क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि नारियल का बुरादा घर पर ही कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नारियल का बुरादा, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और मैंने ये नारियल का बुरादा सारा अपनी कढ़ाई में डाल लिया है, और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। इसे हमें छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमारा नारियल का जो बुरादा है वो नीचे से जल जाएगा और हमारी बर्फी में स्मेल हो सकती है, इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट इसे चलाते हुए हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कटोरी यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद दोस्तों, हम इसे फिर से मिलाएंगे नारियल के बुरादे के साथ, जिससे कि चीनी हमारे नारियल के बुरादे के साथ अच्छे से मिल जाए। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर हम ये लेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर हमने 1 ग्लास दूध लिया है। 1 ग्लास दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, इसे हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। तो यहाँ पर करीबन मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने दूध डाला है और उसे नारियल के साथ अच्छे से मिला दिया है, और थोड़ा 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 करके हम इसमें दूध डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध को डालना है, जिससे कि हमारे जो गोला है वो अच्छे से उसके साथ भुन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारा दूध उसमें डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, और इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे चलाने के बाद कुछ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके के हमारा जो मिक्सचर तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का तैयार होगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ हम थोड़ी सी मलाई लेंगे। नॉर्मली जो हमारे घरों में मिल जाती है दूध पर जो मलाई जमती है, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अगर आप बाज़ार से परचेज करना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने होममेड दूध से बनी हुई मलाई ली है, और उसे हम ब्लेंडर की हेल्प से उसे हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, क्योंकि वो फ्रिज में होने के कारण थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो इसे मैंने ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद हम जो हमारा पेस्ट है उसमें हम इसे मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हमारा नारियल का जो मिक्सचर बना हुआ है उसमें हम इसे मिला देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी मलाई मिला दी है, और मलाई को अब हम अपने नारियल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिला देंगे। इसे मिलाने से दोस्तों, जो हमारी बर्फी बनकर तैयार होंगी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी, वरना नारियल की जो बर्फी होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सूखने के कारण अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। इसलिए हमने यहाँ पर जो क्रीम मिलाई है, उससे इसका जो टेक्स्चर आएगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी, इसलिए यहां पर हमने इसमें मलाई ऐड की है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहां पर अपना पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद दोस्तों, हम एक थाली लेंगे। नॉर्मली मोस्टली जो घर में प्लेटें वगैरह होती हैं, वो हम यहाँ पर किनारे वाली एक थाली ले लेंगे, और उसमें हम नीचे थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब देसी घी यहाँ पर हम स्प्रेड करेंगे। आप भी यहाँ पर देसी घी का ही यूज़ करें, जिससे कि हमारी बर्फी का जो टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, हमें यहाँ पर अपना जो नारियल का मिक्सचर है वो हमें इस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड करना है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए और जो हमारी बर्फी की कतली जो है वो बहुत अच्छे से जम जाए। और आप जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसे फैला दें, और उसके बाद आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हों वो आप इसके ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो स्प्रेड किया है, वो मैंने बादाम को बीच में से काट कर यहाँ पर इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसे ठंडा करने की, क्योंकि गर्म तो ये खाया नहीं जा सकता। तो उसके बाद हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में हम इसे फ्रीज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी नारियल की जो बर्फी है वो बहुत अच्छे से जम चुकी है। तो अब हम इसे एक चक्कू की हेल्प से इसे हम काटेंगे। आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, जैसा भी ट्रायंगल, जो जैसा भी आप देना पसंद करते हैं, आप उस तरीके से इसका शेप दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बर्फी है वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी अपने घर पर नारियल की बर्फी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर एंड गुड बाय।